हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो मैथ का पेपर है प्री बोर्ड का, उसके बारे में। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहें अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वह आपके सामने, फर्स्ट का फर्स्ट है 5, सेकेंड है सी अपॉन ए, थर्ड है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, और फोर्थ है 2, और फिफ्थ का आंसर है 90 डिग्री, और सिक्स का आंसर है -2, -2। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वह है फर्स्ट का भाजक, सेकंड का थर्ड, थर्ड का शून्य, फोर्थ का a+3d, फाइव का समरूप संख्याएं, सिक्स का वाई अक्ष। थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आपके सामने है, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू बतानी है आपको। प्रश्न संख्या चार का आंसर, प्रश्न संख्या चार का पहले का सेकंड है, इसी प्रकार सारे क्वेश्चनों के आंसर हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर, फिफ्थ का फर्स्ट सत्य, सेकंड असत्य, थर्ड असत्य, फोर्थ सत्य, फिफ्थ असत्य। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं। आपको HCF दे रखा है और LCM दे ज्ञात करना है आपको। तो आपके सामने फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो HCF दे रखा है आपको और दो संख्या पता ही है आपको, तो LCM निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो निकाल लें आप, और इसका जो आंसर है वह आपके सामने, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर। ये देखिए 3x+4x इक्वल टू, इनकी वैल्यू निकालनी है आपको x की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर एट का आंसर, आप लिखते रहें इन सारे क्वेश्चनों को या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर, AD की वैल्यू है 2.4। ये क्वेश्चन नंबर 10, चूंकि दोनों बिंदु संरेखीय हैं इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ये प्रश्न संख्या 11 का, ये प्रश्न संख्या 12 का उत्तर। आपको इसका मान निकालना है, साइन 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री, इसका मान निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर देख लेते हैं। वर्ग की भुजा दे रखी है आपको और वर्ग का व्यास पता ही है, त्रिज्या का आधा। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चार वृत्त हैं उनका क्षेत्रफल घटा देंगे उसमें से, वर्ग के क्षेत्रफल में से। ये प्रश्न संख्या 14 का आंसर, ये प्रश्न संख्या 15 का आंसर। एक प्रश्न का अंक 16 का आंसर, आपके सामने समीकरण दे रखा है और आपको वैल्यू निकालनी है के की। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी के की वो आएगी 6। प्रश्न संख्या 17 का आंसर, आपके सामने AP दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो आपके n की वैल्यू है वो ये है 34, आपका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 18,
आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 18 का, ये 19 का आंसर है। इसका जो मान निकलेगा वो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 4। ये प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, आपको पी की वैल्यू निकालनी है, पी का मान क्या होगा। तो इसका जो मान निकालेंगे तो आदित्य हल होंगे, तो इनकी वैल्यू डालने पर आपके सामने पी की वैल्यू आ जाएगी। ये प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर है आपके सामने, इसको भी जल्दी से लिख लें आप। ये प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, भुजा स्क्वायर बराबर 64, तो भुजा का मान आ गया 4, भुजा का मान आया 8। ये प्रश्न क्रमांक 23 इसका उत्तर। तो ये थे सारे क्वेश्चनों के आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।